आपका स्वागत है इस YouTube प्रेजेंटेशन में। मैं अथैया हूँ और मैं पढ़ाता रहा और मैं अपने इस YouTube के माध्यम से वेटनेरियंस और जो वेटनरी कंपाउंडर हैं उनके लिए लेक्चर देता हूँ और जो दवाइयाँ मैं यूज़ करता हूँ अपने जानवरों पे मैं अपने तजुर्बों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये इस्यूमरेट है, इस्यूमरेट जो है ये अल्फा पी जी टू होता है और ये जो है इससे अगर अगर हीट में आ चुकी है गाय आप उसे 7वें दिन लगा देंगे तो वो दोबारा हीट में आ जाएगी। तो इसमें इस्यूमरेट में ये एक चीज़ होती है क्लोप्रोक्सिनोल, क्लोप्रोक्सिनोल। अब ये बहुत नाम से बिकता है बाज़ार में, मतलब प्रोगाय ओवा के नाम से भी बिकता है और इस्यूमरेट के नाम से भी बिकता है ल्यूटालाइज से। तो मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि साहब वो नहीं मिल रहा ल्यूटालाइज है। तो आप जहाँ भी ये हो आपके क्या कहते हैं क्लोप्रोक्सिनोल, देखिए क्लोप्रोक्सिनोल लिखा है ना, तो क्लोप्रोक्सिनोल हो उसको यूज़ कर लीजिए, चाहे वो वही इस्यूमरेट होता है, वही जो है आपके ल्यूटालाइज होता है, वही जो है प्रोगाय ओवा होता है। तो आपको जो दुकान पे जाके देखना है वो ये देखना है कि क्लोप्रोक्सिनोल है या नहीं, और ये हीट में आने पे नहीं लगाया जाता है, हीट के 7वें 8वें दिन लगाया जाता है तो दोबारा जानवर हीट में आ जाता है। क्योंकि वास्तव में गाय जो है वो 15 बार साल में हीट में आती है, पर इसको लगा के आप उसको 30 बार साल में लगा सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार उसकी ब्रीडिंग कर सकते हैं। आपने सुना, धन्यवाद। मैंने यही कहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये क्लोप्रोक्सिनोल होता है, यही ल्यूटालाइज में होता है, यही प्रोगाइटा में था। तो आप जब इसको खरीद रहे हैं तो ये देखिए इसमें क्लोप्रोक्सिनोल है या नहीं है। धन्यवाद, आपने सुना।